दिल्ली के नामी ग्रामीण हॉस्पिटल से गठिया बाइक का इलाज करा रही जेनिफर जब गुरुग्राम के शनिधाम पहुंची और यहां पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई, तो सुनिए कि कैसे दिल्ली के सेंट स्टीफन परमानंद और डॉक्टर मनोज जैसे नामी ग्रामीण हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टरों तक पहुंचने के बावजूद बीते 4 सालों से जेनिफर अपनी समस्या से जूझ रही है और न सिर्फ एलोपैथी बल्कि आयुर्वेद और होम्योपैथ से भी अपना इलाज करवा चुकी है, लेकिन तमाम तरह की दवाइयों का सेवन कर चुकी जेनिफर को जब गुरुग्राम के शनिधाम के बारे में पता चला तो वे फौरन दिल्ली से गुरुग्राम की ओर निकल पड़ी और जाकर मनु भैया से मुलाकात कर अपने दोषों के बारे में जाना। उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी ये परेशानी किसी बीमारी के सबब नहीं बल्कि उनकी परेशानियों का सबब पितरादि दोष है, जिसका निवारण मंत्रोच्चारण और हवन के जरिए किया जा सकता है। आप भी देखिए किस तरह से मनु भैया ने महज 10 मिनट के अंदर उन्हें वो लाभ पहुंचाया जिस लाभ के लिए वे बीते 4 सालों से परेशान थी और 4 सालों से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वो आराम नहीं मिला जो आराम उन्हें पलभर में गुरुग्राम के शनिधाम में मिला। 2 साल में तो दर्द ठीक हो गया, उन 2 साल में आपको कुछ राहत मिली? दवाई खाते खाते आपके हाथ मुड़े थे कि नहीं मुड़े थे? फिर ये कौन सा डॉक्टर है कि आप दवाई भी खा रहे हो और आपका रोग की रोकथाम ही नहीं हो रही? ये कौन सा इलाज है भाई? इसका मतलब गठिया डॉक्टर का रोग ही नहीं है बिना बात के, वो बता रहा है कि ये तो मेरा रोग है और वो रोग फिर वो ठीक नहीं कर रहा अगर उसका रोग है तो। आपको क्या हुआ बताना जरा गठिया भाई, कै साल से दवाई ले रहे हो? आपको थोड़ा सा भी आराम पड़ा? डराया क्या हुआ डॉक्टर ने आपको? 10 साल बाद व्हील चेयर पे आ जाओगे? आपने कहा कि मुझे ठीक कर दोगे, आप गारंटी लेते हो लिख के? मैं तो चलो, मैं 25,000 का इंजेक्शन आता है, इतने घटिया डॉक्टर हैं दुनिया के, वो 25,000 का इंजेक्शन 2.5-2.5 लाख रुपए में लोगों को लगा रखे और 25-25 लगा रखे, बर्बाद कर दिया देश को, बर्बाद कर दिया लोगों को और उनको जबरदस्ती के रोगी बना रखा है। ठीक है, ये देख अब ये कैसे खड़ी है, देख ले, दौड़ती है वो, दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? दौड़ती है, बताइए क्या है? मनु भैया में और डॉक्टरों में यही फर्क है, मनु भैया अगर आप को व्याधियां नहीं है तो आपका इलाज करते हैं प्रेतादिकों से जो रोग होते हैं, पितरादिकों से जो रोग होते हैं, ये पितृ कष्ट में है, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं वो वाकई में कष्ट में है, ठीक है ना? और उनका कोई इलाज नहीं पा रहा, ब्राह्मणों को देखो वे ठग रहे हैं, डॉक्टरों को देखो वे ठग रहे हैं, अरे सब ठग ही रहे हैं, ठीक कौन करेगा? नहीं समझे? कहाँ दर्द है आपको? पूरे शरीर में दर्द है। चलो अभी फैसला हो जाएगा, थोड़ी देर रुकते हैं। नाम बता। जेनिफर खड़ी रहे ऐसे। माला को थोड़ा सा टाइट पकड़ना है, क्या नाम है बहन जी आपका? कहाँ से आए हो आप? कब से परेशानी थी और क्या परेशानी थी आपको? 4 साल से, 4 साल पहले एक्चुअली मुझे ब्लड कम हुआ था बॉडी में, तो ब्लड ना चढ़ा के डॉक्टर ने आयरन चढ़ाया, फिर आयरन चढ़ाने के 2 महीने बाद मेरे को दर्द होना शुरू हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा आपको आर्थराइटिस हो गया। कौन कौन से हॉस्पिटल में? उससे पहले ठीक थे? हाँ जी, मैंने कभी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाई 4 साल पहले। मैंने सेंट स्टीफन
और सत्कर्मानंद प्राइवेट हॉस्पिटल है जी, और शक्ति नगर में डॉक्टर मनोज शर्मा है जी, वो स्पाइन के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको दिखाया जी। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया जी, हिंदू गाँव में दिखाया, एक और हॉस्पिटल है, फिर उससे लिया, फिर आयुर्वेदिक दवाई खाई, फिर उसके बाद होम्योपैथिक नहीं, जब एलोपैथिक आपने दवाइयाँ ली और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप गए, सेंट स्टीफन बहुत बड़ा खर्चे वाला हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटलों में आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, वो दवाइयाँ देते थे बहुत, मतलब 12-12, 13-13 टैबलेट में दिन में खाती थी, उन्हें खा के मेरे को चक्कर आते थे जी, और जब तक मतलब चक्कर आते थे, मतलब दर्द का असर तभी तक रहता था जब तक दवाइयाँ, फिर मैंने कुछ दिन छोड़ के देखा तो मेरा दर्द वैसे का वैसे था, कुछ कर तो पाती नहीं थी वैसे। डॉक्टरों को बताते थे आप इस बात को कि भाई मेरे तो कोई समस्या समझ में नहीं आ रही और मैं तो? डॉक्टर ने कहा ये तो हो जाती है बीमारियाँ। अच्छा, तो ख़त्म नहीं होती है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप 10 साल तक दवाई नहीं खाओगे ढंग से रेगुलर तो आप व्हील चेयर पे आ जाओगे। अच्छा, तो इसमें कितना, इस प्रोसीजर में कितना खर्चा आपका हो गया होगा? बता ही नहीं सकती मैं, मेरे कितने लाखों रुपये खर्च हुए, लाखों जी जी। तो यहाँ मनु भैया जी शनि धाम का आपको किसने बताया, कैसे बताया? मैं देखती थी तो मैंने फोन में देखा था, मैं पिछले साल देखती आ रही थी तो मतलब। अच्छा, आप ये बताइए, आप हिंदू है कि क्रिश्चियन है? जी मैं क्रिश्चियन। अच्छा ये बताइए, फिर भी आप यहाँ आ गए तो आपने क्या कई क्रिश्चियनों को यहाँ मेरे यहाँ पास आते हुए देखा था? जी हाँ, मैंने एक सिस्टर आई थी अपने, नर्स थी, हाँ उन्हें देखा था, उन्हें देखा था, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। आपके यहाँ कोई धर्म का कोई भेदभाव तो है नहीं? नहीं, वो तो मैंने नाम से पूछा है, वैसे तो आजकल हिंदू लड़कियाँ भी ऐसे नाम रख लेते हैं और लड़के भी ऐसे नाम रख लेते हैं जी, जी। जो देखने में, अभी मेरे पास एक बच्चा आता है उसका नाम बेविन है, वो है तो हिंदू ही, लेकिन ऐसा जो नाम रखा गया है वो तो क्रिश्चियन जैसा लगता है देखने में, लेकिन वो हिंदू ही है। तो आप जब 4 साल इलाज करा चुके, तब आपने होम्योपैथ में और आयुर्वेद में किस तरह इलाज कराया? मैंने आयुर्वेद में, हमारे यहाँ चांदनी चौक में हैं डॉक्टर का नाम मुझे कोई याद नहीं, डॉक्टर वैद करके हैं उनका, हाँ। और उनसे मैंने कम से कम साल भर खाई है। उसके बाद झज्जर में हैं एक वैद है, झज्जर में वैद हैं, वो तो फ्री दवाई देते हैं, लेकिन वैद हैं, रविंदर वैद उनका नाम है, मैंने वहाँ से भी खाई, मैंने फिर उन्हें फ़ोन करके बताया कि मुझे नहीं आराम आ रहा है आपकी दवाई से, मैंने 2 महीने दवाई खा के देखी, उन्होंने कहा नहीं सबको गठिया बाई में बहुत अच्छा आराम आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा, पर मुझे नहीं आ रहा, और ऊपर से मेरे दर्द बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए, फिर मैंने 2 महीने खा के दवाई बंद कर दी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ आए, आपने चेकअप कराया, तो जो यहाँ भैया बैठे हैं उन्होंने जब आपकी नेगेटिविटी के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया आपको यहाँ यहाँ दर्द रहते हैं? हाँ जी, उन्होंने पूछा था मेरे से कि आपको क्या परेशानी है, फिर मैंने बताया था उन्हें, फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि पितृ दोष करके इस वजह से आपका दर्द है। अभी दर्द कहाँ है देखना चाहते? और क्या ये दर्द उतना ही है जितना था? कम हुआ है? कम क्यों हुआ? आपके मंत्र नहीं, इसका मतलब ये पकड़ने से तो कम नहीं होता, ये भी पता है, शरीर के एक स्थिति में रह के बात करने से भी कम नहीं होता, ये भी पता है। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं, कहाँ तक पढ़े? 12th की हुई है। चलिए, 12th करना भी बहुत होता है, आदमी अपने शरीर को तो महसूस करता ही है, तो आपके यहाँ तो शैतान इसको माना जाता है, और मनु भैया कहते हैं कि हमारे भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लोग मानते नहीं हैं। अगर आपके यहाँ ये माने ही नहीं कि शैतान नहीं होते, तो प्रभु यीशु मसीह का होने का कोई तात्पर्य नहीं रहता? क्यों, अगर नहीं माने कि शैतान नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने लोगों को केवल शैतान निकाल के दिखाए, और उन्होंने लोगों को बताया कि शैतान तो निकालो निकालो, साथ में ईश्वर के समर्पण भी हो जाओ, तुम पुकारोगे तो वो तुम्हें आवाज़ देगा, तुम दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो खोलेगा, और उन्होंने ये सारी बातें सिद्ध करके दिखा दी, ऐसे ही ना। लेकिन उन्होंने पूरे जीवन क्या किया, या तो ईश्वर की बातें की या शैतानों को निकाला और लोगों के रोगों को ठीक किया। तो अगर शैतान ना हो तो लोगों के रोग कौन ठीक करे? इसका मतलब शैतान से रोग होते हैं भाई, वो वैद्य तो थे नहीं डॉक्टर थे ना उनके पास, चलो उस टाइम तो डिग्रियाँ ही नहीं होती थी, आज तो MBBS डॉक्टर को बुरा लगता है, कोई आदमी कहीं जाके ठीक हो जाता है तो वो ये सोचता है तो तेरा केस था, ये मंदिर में जाके कैसे ठीक हो गया, उसका तो दिमाग चकरा जाता है, वो ये सोचता है मैंने तो पढ़ाई व्यर्थ की,
ठीक है, वाकई भी उसने पढ़ाई व्यर्थ की है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानवता नहीं रही है, ये पता चल गया ना डॉक्टरों से व्यवहार कर करके। डॉक्टर कोई भी ठीक नहीं है, सब परेशान ही करते हैं, और मेरी बीमारियां इतनी बढ़ा दी, मुझे खुद ही नहीं पता था मेरे को इतनी बीमारियां हो जाएंगी जीवन में, खुद ही नहीं पता था इतनी बीमारियां हो जाएंगी, इतनी कम आयु में इतनी बीमारियां बढ़ा दी, और परेशान और किया और डरा के और रखा, डराया कि नहीं? बहुत डराया हुआ है कि मैं मतलब कि व्हीलचेयर पे आ जाऊंगी, इससे बड़ा और डर क्या होगा, इससे बड़ा और डर क्या होगा, व्हीलचेयर पे आ जाओगे 10 साल बाद, और दवाई खिला रहा है, मन चाहिए दवाइयां खिला रहा है, दर्द में भी आराम नहीं, उठने नहीं दे रहा, घर के काम नहीं करने दे रहा, नींद 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 नींद, सोते रहो चक्कर खाते रहो, इतनी दवाइयां खिला रहा है, नींद भी नहीं आती, बस चक्कर ही चक्कर, बस नींद भी तो नहीं आती, बस रात भर सब सो रहे होते हैं, मैं कर रहा हूं फिर भी घर में दर्द के, दर्द में मतलब। अच्छा वहां तक चल के आना जरा, वहां तक चल के आना, अच्छा अभी आप, आपको मैंने एक बहन से मिलाया था, शायद रितु नाम था ना उनका, रिंकी, रिंकी से मिलाया था, उसने क्या बताया आपको कि गठिया बाई के दर्द थे, 2 साल हो गए उसको आते, बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि गठिया बाई का कोई भी दर्द डॉक्टरों से पूरे जीवन ठीक नहीं होता, एक नहीं दुनिया के सारे गठिया बाई के मरीज बुला लो और उनसे पूछो कितने कितने साल दवाई ली और उनके सारे वो देख लो, चेकअप और सब कुछ देख लो, और फिर उनसे पूछ लो कौन ठीक हुआ आज तक, डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि आप जब तक जीवन जियोगे तब तक दवाई खानी है, आपने पूछा नहीं इतनी कम उम्र में मुझे दवाई खिला के तू क्या हासिल करना मुझे उत्तरोत्तर कम होते जा रहे हैं ना, ये मंत्र शक्ति है ना, मैंने आज आपको करके दिखाया है, आप और 2-4 बार 10 बार आएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको ये अब विश्वास भी हो जाएगा, ठीक है ना, लाइए मुझे ये दीजिए, अब दोनों हाथ उठाइए, जय श्री देव बोलिए, अब देखिए कहाँ तक कम हो गए ना, तो जो कम हो गए ये और कम होते चले जाएंगे उत्तरोत्तर, यानी कि आज आपको ये पता चल गया कि आपको केवल दर्द निगेटिविटी के हैं, किसी आयरन चढ़ाने से नहीं है, ना कोई डॉक्टर की बीमारी है, आपकी जब ये निगेटिविटी खत्म हो जाएगी पूर्ण रूपेण, तब ठीक हो जाएगी, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जैसा भी बहन जी ने बताया, और ये धीरे धीरे कटता है, तब तो अगर बॉडी में रम जाता है, आपकी बॉडी में रम जाता है, चलिए भाई सारे बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव।